हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा, बंधन एवं मोक्ष के स्वरूप पर। सर्वप्रथम बात करते हैं न्याय दर्शन में आत्मा के स्वरूप पर। आत्मा के संबंध में न्याय वैशेषिक मत वस्तु आदि कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। सुख दुख राग द्वेष इच्छा प्रयत्न व ज्ञान उसके गुण हैं। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा स्वरूपत अचेतन है। उसमें चेतना का उदय तभी होता है जब आत्मा का मन मन का इंद्रियों तथा इंद्रियों का संपर्क बाह्य जगत के साथ होता है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न है। आत्मा बाह्य इंद्रियों से भी भिन्न है क्योंकि कल्पना विचार आदि इंद्रियों के कार्य नहीं है। आत्मा मन से भी भिन्न है क्योंकि मन अणु होने के कारण अप्रत्यक्ष है। जबकि सुख दुख जो कि न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा के गुण माने गए हैं उनका हमें प्रत्यक्ष होता है। आत्मा न्याय को न्याय दर्शन बौद्ध दार्शनिकों के भांति विज्ञान का प्रवाह नहीं मानते क्योंकि उनके अनुसार यदि आत्मा को विज्ञान का प्रवाह माना जाएगा तो स्मृति की व्याख्या करना संभव नहीं होगा। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा शुद्ध चैतन्य भी नहीं है क्योंकि न्याय के अनुसार ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि शुद्ध चैतन्य हो। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा की विशेषताएं, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा ज्ञाता है अर्थात वह ज्ञान प्राप्त करता है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा निर्वयव है। उनके अनुसार आत्मा नित्य होने के बावजूद उसके कुछ अनित्य गुण भी हैं जैसे इच्छा द्वेष आदि। आत्मा न्याय के अनुसार कर्म नियम के अधीन है। आत्मा विभू है, वह दिक् काल से सीमित नहीं है और आत्मा अनंत संख्या में है अर्थात अनेकांतवाद को स्वीकार करता है न्याय दर्शन। उनके अनुसार प्रत्येक शरीर में भिन्न आत्मा होती है। अब बात करते हैं आत्मा के अस्तित्व के लिए न्याय दर्शन कौन कौन से प्रमाण देता है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा इच्छा द्वेष आदि से प्रमाणित होती है। उनके अनुसार सुख दुख भी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। आत्मा ज्ञान से भी प्रमाणित होती है और वे ये भी मानते हैं कि चेतना शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का गुण है। उनके अनुसार चेतना ज्ञानेंद्रियों का गुण भी नहीं है और न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा का अस्तित्व प्रत्यभिज्ञा से भी प्रमाणित होता है। अब हम बात करते हैं न्याय दर्शन में बंधन और मोक्ष का क्या स्वरूप है। तो न्याय दर्शन के अनुसार शरीर इंद्रियां व मन से भिन्न होने के बावजूद भी आत्मा इनसे तादात्म्य समझती है, यही उसका बंधन है। यानी जो आत्मा है वह शरीर इंद्रियों और मन से भिन्न है लेकिन वह उन्हें अपना समझने लगती है, यही उसका बंधन होता है। इस बंधन की अवस्था में आत्मा में गलत धारणाएं निवास करने लगती हैं जैसे वो अनात्म को आत्म समझने लगती है,
दुख को सुख समझना, क्षणिक वस्तुओं को स्थायी समझना, अप्रिय को प्रिय समझना, कर्म व कर्म फल का निषेध करना, अपवर्ग के संबंध में संदेह करना आदि। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष पूर्ण दुख निरोध की अवस्था है, अर्थात मोक्ष का अर्थ है दुखों का अंत। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग की संज्ञा दी गई है, अर्थात मोक्ष को अपवर्ग कहा है। उनके अनुसार अपवर्ग का अर्थ है आत्मा का इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाना। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष दुखों के आत्यंतिक विनाश की अवस्था है। मोक्ष सुख और दुख दोनों से रहित है, अर्थात मोक्ष की अवस्था में सुख और दुख दोनों का ही अंत हो जाता है। मोक्ष की अवस्था को अभयम अजरम अमृत्यु पदम की संज्ञा दी गई है। मोक्ष के साधन की बात करते हैं हम न्याय दर्शन के अनुसार। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के साधन है श्रवण, अर्थात शास्त्रों विशेषकर उनके आत्मा विषयक उपदेशों को सुनना श्रवण कहलाता है। फिर आता है मनन। शास्त्रों के आत्मा विषयक ज्ञान पर विचार करना तथा उसे सुदृढ़ करना चाहिए, ये मनन है, मनन के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। तीसरा उपाय है निधि ध्यासन। मनन के बाद योग के बताए गए मार्ग के अनुसार आत्मा का निरंतर ध्यान करना आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं जो कि अष्टांगिक अंग कहलाते हैं। न्याय सिर्फ विधेय मुक्ति को मानता है, अर्थात मृत्यु पर ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। न्याय दर्शन के मोक्ष विचार की समीक्षा की जाए तो कहा जा सकता है कि न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष को अभावात्मक अवस्था कहा गया है, जो कि आनंद से शून्य है, क्योंकि न्याय मोक्ष को सुख और दुख दोनों से रहित अवस्था मानता है। हालांकि आगे चल के 90 न्यायिकों ने मोक्ष को आनंदमय माना है, पर वैसे न्याय मोक्ष को एक अभावात्मक या दुख के अभाव की अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।